हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। हेलो, मेरा नाम है सुमन प्रसाद। वैसे तो लोग मुझे आर्टिस्ट सुमन प्रसाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक कलाकार हूँ और ट्रैवल करना मेरा पैशन है। और ये मेरा 28वां व्लॉग है और मुझे ना नया नया बुखार चढ़ा है व्लॉगिंग का। सो गाइस, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि जब ट्रैवल में 80 गर्ल्स होती है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो ट्रैवल किस लेवल का होगा। सो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ इस वक्त, थोड़ा मेरा बाल बिखर गया, वेट। तो मैं हूँ इस वक्त रेलवे स्टेशन में और मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया इतना सारा काम करके। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवल करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, कुछ हुड़दंग मचाते हैं। और मैं इस वक्त गाइस यहाँ पे गर्ल्स हैं, ये सिर्फ तीन नहीं है, मतलब तीन लोगों के साथ तो मैं जाऊँगी नहीं, मेरे साथ टोटल 80 गर्ल्स है गाइस। और पीछे अभी तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ पर्सनली। तो पूरी ट्रिप में आप लोग देखना कि कौन क्या और कैसे मैं मिलती हूँ सबसे। तो यहाँ देखो नज़ारा, देखो हाय बोल रही है सब। मैं किसी को नहीं जानती हूँ गाइस, किसी को नहीं, यहाँ पर मेरी बहन को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वुमेंस कॉलेज में नहीं जा, सॉरी। यह सारी गर्ल्स हैं, हाय बोल रही है, चलो हाय, ठीक है। और मैं पता नहीं कौन कौन है यहाँ पे, अननोन्स मेरे लिए सारे लोग अभी अननोन्स हैं, बट कुछ टाइम बाद सारे नोन्स हो जाएंगे, वो वीडियो के एंड में पता चलेगा गाइस। तो व्लॉग में बने रहे। सो मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई है अभी स्टेशन में ही, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो गर्ल्स से हेलो, ये मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और मेरे को अभी से ही लग रहा है ये ट्रिप आतंक होने वाला है, ये ट्रिप आई एम टेलिंग यू गाइस। तो ये बोल रही है, बोलो क्या बोल रही है, बहुत आतंक होने वाला है, एनर्जी लेवल हाई है, ये तो एक दो तीन चार पाँच छः लड़कियाँ, अभी 80 लोग आएगी तो क्या होगा देखते हैं। चलते हैं, मिलते हैं, पूरे व्लॉग में बने रहना और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, ये मेरा बैग है और ट्रेन में बैठने जा रहे हैं हम लोग। पलट, मेरी मम्मी भी जा रही है मेरे ट्रिप पे, क्या मज़ा आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए, चलो।
अबाउट टू रीच पंजाब. अगर मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं आ रहा तो माइक प्लीज इसको एडिट कर देना. सुबह सुबह उठ के नाइस. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अमृतसर. सबका बुरा हाल है. हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे गाइस क्योंकि सो के उठे हैं. जब रेडी शेडी होंगे तब दिखाएंगे हम लोग. सारी गर्ल्स है यहाँ पर. सारी आ गई है. गुड मॉर्निंग. सो गाइस ये हम लोग आ गए हैं अभी अमृतसर. और ब्यूटीफुल. मैं पहली बार पंजाब आ रही हूँ और ये अमृतसर का स्टेशन है. लाइक दिस. और अब हम लोग यहाँ बाय बस जाने वाले हैं होटल. सो गर्ल्स कैसा लग रहा है? घंटा एनर्जी है तुम लोगों में यार. बस बेकार बेकार. सब सो के उठी हुई है. देख लो चेहरा देखो. एनर्जी लेवल तो खत्म है. मरियल वाला है पूरा. अभी शकल देख लो इन लोग का. देखो देखो सो रही है. शकल देख लो. और उसके बाद अभी सब लोग ढिंचाक बन के निकलने वाली है. आई एम टेलिंग यू गाइस व्लॉग में बने रहना. और लोगों का चेहरा देखो. ये तो सुंदर दिख रही है भाई. नहीं तो सो ही नहीं है रात भर. ये पूरा एकदम रेडी होके अभी भी है. ओहो हो एनर्जी लेवल क्या है? लोग कहानी अभी से खत्म है. सच बता रहे. तुमसे अच्छा तो सिक्के वाला वैसा यार. अभी हम बता रहे ना अभी ये लोग सब पंजाब में आए और अभी लोग सब ना लोग पंजाबी बन के निकलेंगे क्योंकि हम लोग गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं. राइट. कहाँ यार बग. मरियल मरियल है. हम जा रहे दूसरा बस में दीदी. हम जा रहे दूसरा. देखो मेरे दूसरे बस में जाने के चक्कर में लोग चिल्लाना शुरू कर दिए. सो इस ब्लॉग के एंड तक बने रहे क्योंकि बहुत फुल ऑन मस्ती होने वाला है. और चलते हैं दिखाते हैं अब क्या होगा क्योंकि अभी हम लोग बहुत गंदे वाले हालत में दिख रहे हैं. राइट. और उसके बाद सब हम लोग हीरोइन बन के निकलेंगे. ये राइट. सो हियर फाइनली वी रीच्ड आवर होटल. एंड दिस इज आवर होटल. अगल बगल इग्नोर करना गाइस. बहुत खराब दिख रहा है. अरे क्या बात है. नाम बता दो. चलो मेरा नाम पिंकी मातो. मेरा नाम मीना मातो. सब्सक्राइब किया है ना. हाँ. चलो गुड. सो हियर इज आवर होटल. प्लैटिनम. हम सुन लिए. कितना प्यार मिल रहा है मेरे को देखना होगा ना. चलो थैंक यू. आमी तुम्हारे के भालू ताजा. चलिए मम्मी. तो यहाँ हम लोग आ गए फोर्थ फ्लोर. एंड 401 है मेरा रूम बिकॉज 402 एंड 403 इज हियर. लेकिन 401 में नंबर ही नहीं लगा. ये क्या सियापा है भाई. लेट्स सी. आई थिंक इट्स 401. कैसा रूम है भाई देखते हैं. हम चाबी लग तो गया आई थिंक. हाँ यही है. नंबर दिया नहीं है. सो दिस इज माय रूम. हियर इज अ मिरर. एंड सो इट्स क्वाइट गुड. अच्छा सही है. चलते हैं कल तुम्हें. वॉशरूम भी अच्छा ही है भाई. नाइस. सो फाइनली आई हैव चेंज माई रूम टू 314 क्योंकि वो रूम मुझे छोटा लगा. तो यहाँ हम लोगों ने न्यू रूम लिया है. ये रूम काफ़ी मतलब सुंदर है. मतलब अच्छा है. उससे तो बेटर ही है. यहाँ मेरे चेहरा मत देखो भी गाइस. फिर यहाँ दूसरा रूम है. सो यहाँ भी एक बेड है. सो ये सुकून से हम सो सकते हैं. क्या है अच्छा है. ये उससे बेटर है. नहा के रेडी हो गई हूँ गाइस. और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी मॉम के साथ. और प्रीति दीदी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है. और तो वह सो टायरिंग वाला जर्नी. मतलब
मम्मी यहीं है, लिफ्ट यहीं पर है। सो अपन जा रहे हैं और अभी भी मतलब फेस में यू कैन सी थोड़ा थकान दिख रहा होगा आपको, क्या मम्मी? हाँ। तो पहली बार मम्मी मेरे साथ मतलब ऐसे ट्रिप ट्रैवल पे आई है मेरे ब्लॉग में, मम्मी ट्रैवल वाले ब्लॉग में पहली बार आ रही है और हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। ये बस ऊपर आ जाए यार। तो हम लोग इसके बाद जाने वाले हैं आज गोल्डन टेम्पल पे, तो आप लोगों को भी दिखा देंगे कैसा नज़ारा है। गुड मॉर्निंग, आज है हमारा डे वन और मैं हूँ अमृतसर में, और अमृतसर का यू नो वॉट कि यहाँ पर हमें नाश्ता में और मैं नहाने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट मिला है। ब्रेकफास्ट में यू कैन सी आलू का पराठा, दही, चाय एंड अ सैंडविच इज़ हियर, और मेरी मॉम भी मेरे साथ है। सो मॉम यहाँ आ गई है, आइए बैठिए। मैं हो गई हूँ तैयार गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। सो मैंने अपने मॉम का कुर्ती मांगे पहले, क्योंकि मैं तो वही नेनवेयर लाई नहीं थी, राइट? सो होपफुली अच्छा ही लग रहा हुआ मेरे पे, राइट? तो देखते हैं आगे चलते हैं क्या होता है। ओह देखो सब सुंदरी लोग रेडी हो गई है। हाय सुंदरी। सो ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स रेडी हो चुकी है इंक्लूडिंग मी, है ना? कितनी प्यारी प्यारी, देखो यहाँ पर सारी कितनी प्यारी 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 सब। जिससे इससे पहले आप लोगों ने जब देखा था स्टेशन में ना, लोग अभी रियल फेस था, ये मेकअप वाला फेस है, देख लो गाइस, है ना? नहीं सब बहुत प्यारी लग रही है ना, पता चल रहा है कि लोग पंजाब में है, है ना? सारी लोग इधर देखो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अमृतसर गोल्डन टेम्पल, राइट? ये देखो अरे मेकअप वाला चेहरा है ना, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट सही है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, सब चमक रही है, सब चमक रही है, क्या बात है। हाय बोल दो, सब सूट में है भाई, एकदम इंडियन ट्रेडिशन ड्रेस में है। सो जा रहे हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा होता है, राइट गर्ल्स? यस। हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ जहाँ पर जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो ये वो लोकेशन है विच इज़ इन अमृतसर, और ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है गाइस, ब्यूटीफुल। गर्ल्स ग्रुप फोटो के लिए रेडी हो? वन टू थ्री, हिप 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 हिप। तो एक्साइटमेंट ऑन पीक गाइस, मतलब ये व्लॉग में बहुत मजा आने वाला क्योंकि सारी लड़कियां बहुत एनर्जेटिक है, कहाँ है एनर्जी? ये इस लेवल का एनर्जी देख के तो आप लोग समझ जाइए कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या होगा हिमाचल में? यस, मजा आ रहा है। तो ज्योग्राफी की लड़कियों में दम है गाइस। चलो फाइनली मैं उस प्लेस पे हूँ जहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये सबको ही पता है कि किस तरह से मतलब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद कर मतलब कूद गए थे और अपनी जान उनकी जान चली गई थी। देखा बच्चा, ये वो कुआं है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मतलब आप सोच सकते होंगे कि लोग जब अपना मतलब जान बचाने के लिए यहाँ पर कूद रहे थे और कोई बचेगा ही कैसे, इतना डेप्थ है इस कुएं में, इतना ज़्यादा डेप्थ है इस कुएं में, माय गुडनेस। बुलेट मार्क्स इस वॉल में, जो वाइट मार्क्स है वो बुलेट के मार्क्स है, और मम्मी पूरा मस्त है, मौसी को पूरा वीडियो कॉल में घुमा रही है। Enjoy. Guys, मैं रूम आ गई हूँ और बाहर एक्चुअली मैं पंजाब में ना, यहाँ गर्मी है थोड़ी, सो वो कुर्तीज़ में मेरे को जानते हैं ना, मैं तो इंडियन पहनती नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग्स आ रही थी। मेरी मम्मी मेरे को दूसरा वाला कुर्ती दिखा रही है, ये वाला पहनेगी, ये तो मेरा ही है मम्मी। हम लोग जाएंगे अभी लंच करने के लिए, उसके बाद जाएंगे बाघा बॉर्डर घूमने के लिए, उसके बाद जाएंगे गोल्डन टेम्पल। गाइस मेरी तो बैंड बजी बजी, और प्रीति दी ने मेरे को जो चप्पल दिया था ना ये वाला, इसमें तो चलने लायक है नहीं, तो मेरा पैर दर्द हो गया, और यहाँ दो मोहतरमा मैडम पस्त पड़ी हुई है, मैम लोग भी, सो देख रहे हो ना हम लोग की वाट लग गई है, पर फिर भी हम लोग में एनर्जी खूब है, अभी हम लोग जाएंगे फिर से घूमने के लिए गाइस, चलेंगे ना? हाँ, मरियल वाली हालत में मैम बोलती है, हाँ भाई जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, तो चलो चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए।
सो अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए गाइस, और यहाँ पर बहुत यमी सा टेस्टी सा खाना है। जैसे कि इसको लेग पीस मिल गया है, ये गलत बात हो गया मेरे साथ, मेरे को लेग पीस ही नहीं मिला, बताओ। पंजाब आए और चिकन ना खाए, ऐसा हो सकता है। सो मेरे पास रोटी है, चावल है, पनीर है, दाल है, सैलेड मैंने लिया नहीं है, सिर्फ प्याज है और चिकन है। सुंदरी लोग खा रही है यहाँ पर। हेयर सम सुंदरीज, हेयर बगल में भी सुंदरी है, पीछे भी सुंदरीज है। सो मैं आ गई हूँ बस में और मेरे साथ है क्यूटी पाई तुलसी। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है तुलसी, बहुत प्यारी है ना बच्ची, और बहुत क्यूट है। और यहाँ दी है जो फोन में बिजी है, बहुत बर्डन है भाई इनके ऊपर। मम्मा आवाज क्लीन में क्या कह रही है? तो मैं दिखा दूं यहाँ पर एक एक करके भाई, सारी गर्ल्स फुल लोडेड है भाई गाड़ी में, खाना खाने के बाद सब एनर्जेटिक हो गई है यहाँ पर, है ना, बैटरी चार्ज हो गया सबका। मेरी सुंदरी कहाँ गई है? तो यहाँ है कर्मा क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं राइट। अमीजे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना की धार आ गई हो, हाथो भैया मेरे को यहाँ पर नहीं नहीं चार्जेस है बता के गिर रही है भैया, लगा दीजिए एक साइड दोनों, आ जाओ एक ही साइड, अच्छा लगेगा। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, पता है आपको, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। आप मुझे उसके 20 ले रहे, कोई बात नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। सो इन्होंने मुझे, मेरे बाल नहीं लग गया, बाल खराब नहीं हुआ ना, इन्होंने मुझे टैटू लगाया है, प्यारा लग रहा है, वेट थैंक यू। सो यहाँ पर आ गई हूँ मैं और मेरा गाल बड़ा क्यूट सा लग रहा है, मेरे को पता मैं भी क्यूट हूँ, आई नो दैट, है ना, है ना, हाँ बहुत क्यूट है, कोई बोलने वाली है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर राइट, और पहली बार मैं आ रही हूँ, मेरे पापा ऐसे आए हुए हैं यहाँ पर, और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और अमेजिंग व्यू होने वाला है यहाँ का। सो लेट्स गो, देखते हैं क्यों। हाँ यस मैम, चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। प्रीति दी, प्रीति दी, यहाँ इंडिया का फ्लैग है तो वहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग है। हम लोग वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ सबको दौड़ाया जा रहा है क्योंकि बोल रहे हैं कि लेट हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे, और हम लोग भाग रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई ये वाघा बॉर्डर का नज़ारा कुछ और है, thank you.
You can see the rush. निशानी बागा बॉर्डर से, तो मैं अपने घर पे इसको लगाऊंगी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक निशानी ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये है, बहुत सही है भाई, क्राउड। सो गाइस, मेरे साथ मैम एंड सर है। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड, यू फाइन? या इट वाज वंडरफुल, राइट? इट वाज वंडरफुल, या कैन यू स्पीक वंदे मातरम? Can I speak? Yeah, Vande Mataram. Say Vande Mataram. Vande Mataram. Mataram. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, kitna sounds cool hota hai na inke muh se Vande Mataram. भारत माता की जय। सो गाइस, मैं थक गई हूँ बहुत और बैंड बज गया है वाघा बॉर्डर से आने के बाद। मेरे पैर के हालत देख लो आप लोग, जूता खोल दिया मैंने और मैं लेटी हुई थी कि दी की फ्रेंड है मेरू दी और कैसे हो दी? बढ़िया। और प्रीति दी की फ्रेंड है और मैं भी मतलब इनसे कनेक्टेड हूँ, मतलब दी से, और मैं 2012 में दी से मिली थी। सो आपको हमसे मिलकर कैसा वाला फीलिंग आ रहा है दी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब दी की शादी हो गई, दी को एक बेबी भी हो गया। और तू कब कर रही थी शादी? ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? सो मतलब इनसे मिलके ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम क्रॉप कर देंगे, डोंट वरी। बताओ दी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। किस चीज़ का? आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग मिल रहे हैं, राइट? आ जाना दिया, पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। इधर आ जा, जो थोड़ी थोड़ी हम भूले हुए थे, जो मस्ती मारी थी वो याद आ रही है। अच्छा, और जो हमने टाइम स्पेंड किया था वो मेमोरेबल था, कभी हम झगड़े भी नहीं थे, सबसे बड़ी अच्छी बात। 10 साल क्लियर करते थे हमेशा, कुछ अगर कोई भी बात होती तो हम क्लियर करते थे, कभी लड़ा नहीं था। हम बातें हम शेयर भी करते थे, सारी अच्छा? कोई प्रॉब्लम भी होती थी वो भी हम डिस्कशन करते थे। सबसे अच्छा मेरी बनाती थी कुकर में सब्जी, रोटियां। 10 साल मिलने के बाद लग ही नहीं रहा कि 10 साल बाद इनसे मिल रहे, वही कनेक्शन, वही वाइब। अमृत सर का नाम सुनते ही प्रीति दी बोलती मेरे से मिलना है, मेरे से मिलना है, मेरे से मिलना है। अरे एक्साइटेड, मतलब दी आई है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। थैंक यू दी, आपका ब्लॉग में मेरा स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दी, ठीक है ना? पूरे अमृतसर में फैला देना आप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैंने यहाँ से लिया है कुछ कड़ा, ये भैया जी के पास है। कितना हो गया? हाँ, 260। मैंने कड़ा लिया, मम्मी को रखिए, मैं दे रही हूँ आपको पैसे। तो गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी अपनी एनर्जी लेवल बहुत हाई है और हम लोग यहाँ पर हैं धर्म सिंह मार्केट में, जो कि अभी मैं जाने वाली हूँ गोल्डन टेम्पल। और मेरी मॉम शॉपिंग कर रही है कड़ा का, और यहाँ गर्ल्स वेट कर रही है कि मैम कब आएगी, ग्रुप कब आएगा। शॉपिंग चल रहा है गर्ल्स? Yeah. मैंने तो कड़ा ले लिया अपने लिए, अपने रिलेटिव के लिए एंड बाबू के लिए। मम्मा को तो अभी भी कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है ना? मम्मा नहीं, ये लो, बाबू के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप देख लो जो लेना है। तो देखते हैं प्रीति कब आती है, और शायद ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, है ना? आई एम लुकिंग गुड ना? हेलो गाइस, तो मैं अभी यहाँ पर, हम लोग शॉपिंग के लिए आए हैं सारे लोग। तो यहाँ पर मॉम है, दी है और कुछ स्टूडेंट्स भी है। और हम लोग गाइस यहाँ पर आए हुए हैं आपका गोल्डन टेम्पल रोड, धीर पंजाबी जुत्ती, राइट? और इनका कलेक्शन है गाइस, आप भी अगर अमृतसर आते हो ना तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विजिट करना। और मैंने यहाँ से ये वाली जुत्ती ली है, देख लो, सही लग रही है, बहुत सही है। मतलब ऐसे दिखा दूँ मैं, देख लो, आप लोगों को कैसी लग रही है, पसंद आई? सही है, बहुत अमेजिंग। तो आप लोग भी यहाँ आना, और कलेक्शन है ऑसम वाला, ऑसम कलेक्शन है। मम्मी आप क्या पसंद कर रहे हो? देख रहे हो, ये देख लो। तो गाइस, मैं, मेरी मॉम और दी, हम लोग अब गोल्डन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और ये माहौल बहुत अमेजिंग है। पकड़ो कैसे, ये अमेजिंग मोमेंट है गाइस, बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है। पीछे जो व्यू है, क्या है?
हम लोग गोल्डन टेम्पल आ गए हैं गाइस, और काफ़ी ही ब्यूटीफुल लाइक वाइब्स है यहाँ का, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाला वाइब्स आ रहा है, और सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आई कैन शो यू कितनी भीड़ है, और अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग। रात के कितने बज रहे हैं, वेट आई विल शो यू द टाइम, 11:08 हो रहा है, बट यहाँ का माहौल देख के लग रहा नहीं है कि यहाँ 11 बज रहा है रात का, क्योंकि इतनी चहल पहल है, भीड़ देख रहे हो आप लोग, यहाँ भी बहुत सारी भीड़ है। यस, सो जा रहे हैं हम लोग अब टेंपल, देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। दर्शन कर लिए हैं, और बहुत ही सुकून वाला जगह है ये, एंड यू कैन सी कितना खूबसूरत है और कितना ब्यूटीफुल है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। सो गोल्डन टेम्पल विज़िट करने के बाद यहाँ हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, विच इज़ जहाँ लिखा हुआ है लंगर हॉल इधर है। थाली मिल गया है हमें, सब गर्ल्स भी है साथ में। यस, तो यहाँ मैं लंगर का खाना खा रही हूँ, और अमेजिंग है गाइस, रोटी खीर तड़का दाल पानी, यहाँ मॉम है, काफ़ी भीड़ है, अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग। गुड मॉर्निंग, अमृतसर, हम तो अमृतसर बोल रहे थे, लड़की लोग गुड मॉर्निंग बोल रही है गाइस। सो कल जो मोमेंट था ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन, आप लोग अब तक वीडियो में देख चुके होंगे कि कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। कैसा रहा आप लोग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। किसके किसके पैर में दर्द है? मतलब रात में मेरे पैर में तो दर्द था, मूव लगा लिया तो अभी बहुत आराम हो गया है, तो अभी मैंने इसीलिए शूज नहीं पहन के स्लीपर पहना है। So it is like awesome experience. कैसा रहा girls? बहुत अच्छा। मरियल वाला हाल है, बिल्कुल बेकार। So अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हिमाचल में जमशेदपुर की लड़कियाँ बवाल करने वाली हैं। तो चलते हैं हम लोग हिमाचल की तरह और देखते हैं कि वहाँ का ये लड़की बिजली नहीं बर्फ गिराने वाली है। सीरियसली, तो हम लोग बिजली की बर्फ गिराने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पर, देखते हैं कि हिमाचल का माहौल कैसा होगा। तो हम लोग चलते हैं। ट्रॉली और कुछ नहीं। मेरे व्लॉग में ना ये खराब करने वाली लड़की यही है। भाई मेरा व्लॉग को एकदम खराब करने वाले यही लोग का हाथ है। सीरियसली एकदम मीम्स में इन लोगों को लेंगे हम, ये इसको और इसको। सो हम जा रहे हैं हिमाचल, मिलते हैं हिमाचल में, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा गाइस। तो चलो। Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty. Guys, हम लोग कहाँ हैं? मेरे को भी नहीं पता। जहाँ भी ये बहुत सुंदर प्लेस है, और यहाँ ना पाइन कोन का ट्री है, और ये लड़की लोग ना देखो अपना मतलब क्या बोलेंगे, कैसे अरे यार झारखंडी बुद्धि मत दिखाओ यहाँ पर तुम लोग, अभी यहाँ से ये पागल लोग, कोई बोलेगा ये लोग झारखंड से आया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। कहाँ गए? फल फल दिखाओ, किसी के हाथ में फल है? सुंदर वाला, सुंदर है। ऐ दिखाओ, ऐ हाथ दिखाओ अपना। अरे इसको दिखाओ, इसको दिखाने दो हमको। हाँ, दिस इज पाइन कोन गाइस, ये मेरे ऑफिस में भी है, मैं हमेशा वीडियो में डालती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है, उससे पॉजिटिव वाइब्स आती है, जैसा मेरे को पता है। इट्स वेरी पॉजिटिव, टेक इट, अच्छे से संभाल के रखना इसको, धो देना, वॉश कर देना, और हो सकता है वुड पॉलिश करके इसको सजा के रखना करते हैं। तो इट्स अ पाइन कोन ट्री गाइस, और मैं झूला झूल रही थी अभी, अंकल आंटी तुम झूला झूल रहे हैं, कोई बात नहीं, दिल टूट गया मेरा, मेरा झूला चला गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तोड़ लिया, हो गया, चोरी कर लिया। देखो देखो चोर, एक तो
जमशेदपुर से एक आई है चोरनी, पाइन का पत्ता चुरा रही है। फ्रूट बहुत सारा फ्रूट है भाई। हटो हटो हटो, क्या क्या निकाला तुम लोग, दिखाओ मेरे को भी। ओ भाई सही है, क्या रखेगी दिखा मेरे को भी। ओ बाबा सब चोरी की है यहाँ, हम बता रहे हैं पेड़ से। क्या कर रही हो दसवीं? सैंपल का लिखवा। किस चीज का सैंपल? वो पेड़ का। ओ हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, हमको पता चला यहाँ पर सस्ता मार्केट है। चलो 2000 years later. अभी मैं आ गई हूँ हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पर हम लोग लंच के लिए आए हैं और यहाँ एक अलग मतलब बहुत ही अलग है, लाइक 150 rupees है लंच का, पेट भर खाओ जितना खाना है खाओ, अगर वेस्ट किया तो 100 rupees जुर्माना भी है, सो उतना ही लेना जितना खा सको। और ये प्लेस का नाम एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है बट है बहुत ही अमेजिंग, अंदर पार्क है सारी चीज़ें। तो मैंने ऐसे राइस लिया है, नान लिया है, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, दही बड़ा, दाल, अचार और भी बहुत सारी चीज़ें थी बट मैंने उतना ही लिया जितना मुझे लगता मैं खा सकती हूँ। सो फाइनली हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं और मतलब यहाँ की जो मतलब वेदर है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फीलिंग आ रहा है कि हाँ हिमाचल में है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं चिंतपूर्णी माँ का दर्शन करने के लिए और यहाँ जाएंगे हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद ज्वाला जी जाएंगे। एंड जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस टेंपल का प्रसाद हमें यहीं खा के ख़त्म करना है, लेके नहीं जाना है, अशुभ माना जाता है या कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी ख़राब हो गई, जर्नी ख़राब हो गया, सो हमें प्रसाद यहीं फिनिश करना है, हमें साथ में लेके नहीं जाना है। चलो जी चलो जी चलो जी बस। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं आ गई ऊपर और यहाँ से माँ का दरबार है, सबका मैं वेट कर रही हूँ, सब आ रहे हैं दरबार आके मज़ा आ गया। तो यहाँ लड़कियाँ आ गई है, सबसे पहले जय माता दी। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए हम सब जा रहे हैं और जो माहौल है ना, मतलब क्या बोलो, मेरी मॉम कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा। मैम के साथ हो इस ब्लॉग में मेरी मॉम खोज रहे हैं आज, हम मम्मी को बोलेंगे तो चुनरी वगैरह खरीद के लेके जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी, उनको बहुत शौक रहता है। है बैंड बजी हुई है, गला बैठ गया, ठंड लग रही है, मतलब लिटरली आई कैन लाइक बोल नहीं पा रहे, खत्म है पूरा। चलते हैं, होटल तो काफी सुंदर है, 3 स्टार है जी। 3 स्टार, वाओ, क्या नाम है होटल का? रीजेंसी। ओके यस, द होटल किंग रीजेंसी, थर्ड वाले हैं वो, रुक जाओ। अच्छा हम लोग बोल रहे हैं आई एम 305 पाउंड।
नाइस वाइब्स, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। डोर भी बड़ा सुंदर है। नहीं खुल गया, चुप, दो मिनट रुकिए, दो मिनट रुकिएगा। इंसर्ट द की। सो वाओ, नाइस होटल, नाइस रूम, वाओ ब्यूटीफुल रूम, सही है। ओके, तो हमें इस रूम में एक साथ दिया गया है। आउच, हम लोग दोनों रूम को, ओके यहाँ भी डोर है, दोनों रूम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम नाइस। सो गाइस, मेरे को जैसे पता चला है ना, प्रीति जी बोली है कि कुछ लड़कियों को ना बहुत ऑसम वाला रूम मिला है, मतलब अमेजिंग वाला। तो हम जा रहे हैं उनका रूम देखने के लिए कि कैसा रूम है। तो बजाते हैं बेल। खोलो भाई, खोलो, खोलो, खुल जा सिम सिम। हाय, हेलो, क्या हाल है भाई? ओ भाई, इनका रूम तो देखो, सही है यार, मतलब ओ भाई, दिल वाला बेड मिला है गाइस। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओ मिरर तो देखो गाइस, मिरर देखो यार, तुम ही लोग ही ऐसे यार, हनीमून स्वीट मिल गया तुम लोग को। सही है यार, बहुत सही है। तब टीवी वीवी पर लगा के तुम लोग तो जिंदगी का रियल मजा तुम लोग ले रहे हो, पता है? मेरे से भी अच्छा रूम मिला है लोगों, गाइस देखने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। मेरे को भी ले लो यार अपने साथ। सो हम भी लोगों के साथ मस्ती करने वाले हैं। सारा जुगाड़ रेडी है यार, सारा जुगाड़ रेडी है, पॉपकॉर्न एंड ऑल एवरीथिंग मस्त। अरे यार, यहाँ तो मिरर भी है। ओ भाई, अरे यार, ये तो पक्का हनीमून स्वीट है यार, ये पक्का हनीमून स्वीट है। मतलब ये कैसा वाहियात सा सवाल है, बताना तो मुझे। ये नहीं बताऊंगा। नहीं, ये कैसा घटिया सवाल है, ये व्लॉगिंग में क्यों कर रही हूँ बताओ? नहीं, तो सहज धज के कहाँ जा रही है? डेट पे जा रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ। अरे आप तो रेडी नहीं है यार, मेरे को तो इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप ऐसे बोलते ना, मैं पांडा हूँ, क्यूट हूँ, अब ऐसे ही सही हो, चलिए। यार मेरे को शर्म आ गया गाइस, तो ये मेरा ले रही अच्छे से बैठा के हम बता रहे, और पता नहीं कहाँ जा रही है, हम देखते हैं व्लॉग में, बने रहना, आप लोग भी देखते हैं ये लड़की कहाँ जा रही है। सो गाइस, दिस इज माई होटल इन हिमाचल प्रदेश, विच इज होटल किंग रेजेंसी रेस्टोरेंट बैंकेट। वाओ, इट्स अ बार भी है यहाँ पर, ऑसम है यार, सीरियसली ये 3-स्टार होटल है यहाँ का, और मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, वेरी ब्यूटीफुल होटल। ओ माई गॉड, यहाँ पर हमारी ट्रैवल ट्रिप पार्टनर दशमी भी है मेरे साथ। सो यहाँ पर तुम भी, क्या बात है, चलो हम लोग चलते हैं होटल, दिखाते हैं अंदर कैसा है। वाओ ब्यूटीफुल मैन, ऑसम लॉबी, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ दिस इज समथिंग यूनिक। बुद्धा, आई एम वेरी कनेक्टेड टू बुद्धा। चलो गाइस, बहुत थक गए हैं, आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था, और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में, देखते हैं कि आज खाने में क्या है और वहाँ का माहौल कैसा है। ये होटल तो बहुत अमेजिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आज हमें रात को मतलब ज्वाला जी जाना था, बट सब इतने टायर्ड है कि हम लोगों ने प्लान कल के लिए कर दिया है। सो देखते हैं कि कल क्या होता है, तो पहले चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट। तो लिफ्ट मेरा आने वाला है। कैसा है खाना, कैसा है? अच्छा है मैम। ऑसम। हाय मम्मी, क्या है? हाय माता श्री।
सो ये रेस्टोरेंट भी बहुत औसम है जिस होटल की तरह। सो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है और ये लोग अपना पेट पूजा कर लिया, मेरे कोई याद नहीं किया, ना मेरी मम्मी याद की ना मेरी बहन याद की। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग, उनको मेरी चिंता है, हम बोले कि हम बस आ रहे हैं। मेरी मम्मी को मेरा बहुत चिंता है ना मम्मी। अरे मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मा मज़ा आ रहा है ना? क्या खा रहा है आप? मीठा खा रहे हैं आप? मम्मा मीठा नहीं, बहुत पड़ा है मम्मी, मम्मी बहुत मीठा है मम्मी। गाइस मम्मी को नहीं खाना है मीठा, तो ये खा रही हैं और हम ये उनसे छीन के। इमोशनल डैमेज, गौर से देखो इस लड़की को, कितना सारा खाना लेके जा रही है, इसे क्वांटिटी देख रहे हो। हेलो मैम, हाय, डिनर के लिए आए? क्या आज डिनर में मैम? बहुत कुछ है, दाल है, चावल है, रोटी है, रायता है, गुलाब जामुन है, दो सब्जी है और बहुत ही टेस्टी सूप भी था। वाओ, आप तो सूप ले लिए? हाँ, हम लोगों ने। वाओ, गुलाब जामुन नहीं? हाँ सही है। एंड बोथ ऑफ यू एक चीज़ बोलना चाहेंगे, वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, बिकॉज मतलब मेरे को इतना आप लोग देते हो स्टूडेंट, तो एकदम टॉप ऑफ द लेवल में खुश है। इतना बेस्ट ट्रिप मैंने आज तक नहीं देखा है जितना आप लोग कर रहे हो, सीरियसली सीरियसली वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, इतना अमेजिंग ट्रिप मैंने आज तक अपने लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मज़ा आ गया गाइस, सच में हम सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है मैम, बहुत मेहनत कर रहे हो, गुड जॉब, थैंक यू। ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:41 और मैं जा रही हूँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए, और एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई हूँ, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उनको कवर कर सकूँ। और हिमाचल में ठंड है भाई, सुबह सुबह ठंड लग रहा है, और जल्दी जल्दी चल रहा है, कल भी हम लोग बहुत चले थे, आज भी सुबह सुबह बहुत चल रहे हैं, चलते दिखा रहे हैं कि कैसा है मेरी मैया का दरबार। गुड मॉर्निंग, इधर तो देख लो माँ। हाँ। जय माता दी, जय माता दी। गर्ल्स बोलो बोलो ज्वाला मैया की, जोर से बोलो, जय माता दी। अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे माँ का और जाएंगे दर्शन करने के लिए। हेलो दी, हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मेरा बच्चा लोग के साथ, मतलब दीदी का बच्चा लोग के साथ। वो हो जय जय माता दी, 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 जय माता दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग ज्वाला जी के दरबार में हैं और हम और मम्मी दीदी आ गए हैं लाइन में, हम लोग जा रहे हैं ज्वाला मैया का दर्शन करने के लिए। और सच बता रही है, फीलिंग बहुत अमेजिंग वाली है, क्योंकि गाइस जब हम लोग छोटे थे ना, मम्मा बगल वाले से घुसो मम्मा ज़रा, क्योंकि जब लोग छोटे छोटे थे ना तो पापा हम लोगों को ज्वाला मैया का ना मूवी दिखाए थे, और हम लोग ना बहुत कनेक्टेड है इस जगह से। क्या कर रहे हैं सर? हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। अरे मम्मी, हम लोग गोल गोल घुमाया जा रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, बोलो बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा सर वाली द बोल साचे दरबार की जय। ये भी ना बात, मैं ज्वाला जी में हूँ और यहाँ पर अकबर जी का चढ़ाया हुआ छत्र है, जैसे कि मैंने देखा है और सुना है वीडियो में कि वो छत्र है अकबर जी, सोने का छत्र लेके आते हैं पर मांस बेकार नहीं करती है। तो ये आज तक धातु के बारे में पता नहीं चला है कि क्या है,
और ये राजा अकबर जी की निशानी है जो माँ के लिए लेके आए थे। छठी मतलब मैंने दर्शन कर लिए माँ का और इससे अमेजिंग फीलिंग कुछ नहीं हो सकता गाइस। मतलब बहुत ही अमेजिंग वाली फीलिंग है। आई एम ब्लेस्ड बस इतना ही कहूँगी। मम्मी आइए छत तो दिखाएंगे मम्मी अकबर जी का। बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग है। ये वो जगह है जहाँ बचपन में पापा हमें मूवी दिखाया करते थे कि ज्वाला माँ है और इनकी स्टोरी सुनाया करते थे और आज हम लोग साक्षात माँ का दर्शन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। माता श्री आ रही है। कैसा लग रहा मैम? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? आ जाइए आ जाइए। माँ का दर्शन के बाद गोरख डिब्बी के दर्शन करना ज़रूरी है तब यात्रा सफल मानी जाएगी। राकेश कुमार जी कहाँ से आ रहे हैं? ज्वाला माँ के दरबार में क्या सही वाली फीलिंग आ रही है। मज़ा आ गया दर्शन करके, मतलब सुकून मिल गया ज़िंदगी में। सच में क्या ही बोलूँ मैं। जय माता दी, एक ही चीज़ बोलेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए और दर्शन हो गया बहुत अमेजिंग। दी ने अपना कंप्लीट कर लिया है, मैम का चल रहा है, मैम का भी कंप्लीट हो गया, मैम खा रही हैं और मैंने बनाना फिनिश कर लिया है। आई थिंक ये कुलचा काइंड ऑफ कुछ है। नहीं, आलू पराठा नहीं, पनीर भी है दीदी, स्टफिंग है, मिक्सड है, और कर्ड है, चाय है और टेस्ट फैंटास्टिक। सच बता रहे हैं यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। ये जेन्युइन वाला रिव्यू है गाइस। मिलते हैं, जाते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम लोग निकलेंगे धर्मशाला, मैक्लॉडगंज, वहाँ पे जितना है एरिया कवर करेंगे। लाउड भागशु वाटरफॉल देखेंगे, थोड़ा रेंज देखेंगे, दलाई लामा टेम्पल वगैरह सब देखेंगे। मतलब आज बहुत जगह जाना है। इवन टी गार्डन भी है हमारा। वाओ, टी गार्डन। टी गार्डन दार्जिलिंग में भी घूमा हम लोगों ने। मतलब फिर से चाय पत्ती लेना है क्या? एकदम लेना है। यहाँ की चाय पत्ती की खासियत इतनी अच्छी है, इसे इंडिया में जीआई टैग मिला है, साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसे जीआई टैग दे रहा है। कांगड़ा टी बहुत ही फेमस टी है, इसलिए हमें ये टी गार्डन देखना है, साथ में टी भी खरीदना है। तो गाइस मतलब आज मज़ा आने वाला है और मतलब बहुत एक्साइटेड और बहुत जगह हम लोगों को घूमने जाना है और दी शॉपिंग के मामले में नंबर वन है, आई एम टेलिंग यू। तो हम भी दी को थोड़ा खर्चा वर्चा करवा ही लेंगे, मेरे भी खर्चे होंगे लेकिन अब तुम दी को खर्चा करवाने वाले हैं पक्का से। लूटेंगे इस बार। गुड मॉर्निंग हिमाचल, राइट। और जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। ये गुड मॉर्निंग मैम के खौफ से निकला है। कैसा लग रहा है कि लड़कियों, ये तो सूखा हुआ मुँह क्यों है तुम लोगों का? डांट खाए हैं। डांट खाई है। इन लोगों को थोड़ा सा लेक्चर मिला है। प्यार है यार, प्यार है, मैम का प्यार बरसा है इन लोग पे। तो वो हंस रही है। क्या हुआ, सूखा हुआ मुँह क्यों है तुम लोग का? क्या ठंडा पड़ गया डांट वाट खा के? हाँ ब्लॉग मैम पूरा दुनिया को बताना है कि हम लोग डांट खाए थे। डांट खा के भी कितनी सुंदर दिख रही है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो रेडी है घूमने के लिए तुम लोग? तुम लोग लगना चाहिए भाई जमशेदपुर से आया है समझ रहे हो, क्योंकि तुम लोग क्या बोलते हिमाचल में क्या करेंगे? Yeah.
अच्छा ठीक है समझ गया। जा रहे हैं नगरकोट धाम माता जी का मंदिर। थक गए यार, कांगड़ा जी आए हुए हैं हम लोग। ओ भाई बहुत चलना पड़ता है ट्रिप में, मेरे को तो ऐसी आदत नहीं है। सो जा रहे हैं माँ को, मतलब माँ के दर्शन के लिए। और सच में मतलब जब माँ चाहेगी ना तभी ये मुमकिन हो सकता है। और मेरे जैसे इंसान जो चलती नहीं है, गाड़ी से हर जगह जाना आना, एंड आज माँ के बुलावे पे मैं इतना चल के, मतलब सच में सही बात है कि अगर माँ अगर बोल दे तो कहीं भी इंसान चल जाता है। जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोगों ने कांगड़ा जी का दर्शन कर लिया। मम्मी आई है ब्रजेश्वरी माता, और जैसे ही मतलब हम लोग आए ना तो दरवाज़ा बंद हो गया था। दीदी ने रोका दीदी अगर नहीं रोकती तो दर्शन करना मुश्किल था। और जैसे माँ का मतलब सही में अगर माँ चाहती है तो ही उनके दर्शन होते हैं, और माँ का दर्शन किया हम लोगों ने और बस जैसे दर्शन किया दरवाज़ा बंद। तो किस्मत अच्छी है, फिर पौने घंटे के बाद खुलेगा तो और लोगों को वेट करना पड़ेगा। सो किस्मत अच्छी है और माता माफ़ करना अगर कुछ भूल चुकी हुई तो। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, और थैंक्स टू प्रीति दी क्योंकि उन्होंने पंडित जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आने दीजिए मेरी मम्मी और दी को। तो लव यू दी। और मैं अभी माँ के दरबार में हूँ और बहुत ही अच्छी वाली वाइब्स आ रही है। और मधुमक्खी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। बहन डर गई, बहन डर गई। क्या इसको बोलते वॉमिटिंग ना हो? मनाली तो हम लोग रात भर चले थे, नहीं हुआ। वो उसकी गाड़ी चलाने का जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि वॉमिटिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए अब हम लोग माता दर्शन बहुत हो गया, जय माता दी। अब चलो हम लोग जो अपना एजुकेशन ट्रिप है उसको हम लोग कवर अप करते हैं, है ना। और कहीं जाना दीजिए हम लोग, और जो आते वक्त शक्तिपीठ है ना चामुंडा जी, हाँ जाएंगे ना उसको एस्केप कर आते समय देख लेंगे। हाँ चलिए आते समय देख लेंगे, तो बगल में है ना, हम माथा टेक के आएंगे सर। हाँ ठीक है, वापसी में देख लेंगे, वो तो मंदिर ये तो बगल में है, क्या आधा घंटा एक घंटा लगेगा। हम लोग आए हैं टी गार्डन घूमने के लिए, और अमेजिंग वाला फीलिंग है भाई। लाइन से लड़कियां जा रही है, अरे मिल रहा है सबको पाइन कोन। मेरी मम्मी चाय के बगान में है, ये लोग भी है, हम भी है। Thank you.
गार्डन में और यहाँ का जो वाइब्स है ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग्स है. सारे लोग जा चुके हैं और मेरे को यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा. यू कैन सी द व्यू, इट्स जस्ट वंडरफुल, इट्स जस्ट वंडरफुल. मतलब मज़ा आ गया यहाँ आके. थैंक यू. टी गार्डन घूम लिए हैं और ये एक और वो पीछे दो, दोनों बसें हमारी है. हम लोग जाने वाले हैं धर्मशाला. गाइज, मेरी सिस्टर ने मेरे को डांट डांट के बुलाई है, डांट डांट के, ठीक है ना, कि यहाँ आओ, यहाँ से बहुत अमेजिंग वाला व्यू है. तो हम जा रहे हैं, दिखाते हैं कैसा वाला व्यू है. अगर व्यू अमेजिंग नहीं हुआ ना तो फिर बताते हैं हम, ठीक है ना. देखते हैं कैसा वाला व्यू है. ओ माय गॉड, क्या है यहाँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये. अच्छा, अभी तक तो फीलिंग नहीं आया है, लेकिन देखते हैं. दीदी जितना एक्साइटमेंट दिखाई है ना मेरे को यहाँ पर, आओ आओ करके, इतना थके हुए यार, बहुत दर्द कर रहा है पैर वैर मेरा, बट क्या करें, चलना ही पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन. यस, सही में यार, नो डाउट, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. ये व्यू सच में अच्छा है. सो गाइस, मैं हूँ पालमपुर कांगड़ा टी गार्डन में. दिस इज वंडरफुल गाइस, मतलब जगह देख रहे हो, मतलब मैं गिर ना जाऊँ मुझे ऐसा लग रहा है. दिस इज सो अमेजिंग व्यू, मतलब लाइक वाओ वाओ, सीरियसली देख रहे हो, सही है ना. उधर दिखा रहा हूँ, उधर वैसे इधर ही नजर. अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ये जन्नत नहीं है तो क्या है. वो एक चीज बोलेंगे जो हम हर वीडियो में बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स. सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ धर्मशाला और यहाँ पर एक सियापा हो गया. सियापा ये है कि जो बस से हम लोग आए थे अब वो बस जा नहीं सकती, तो छोटी गाड़ी हमें करना पड़ेगा. सो एक कार में चार लोग. सो मेरे साथ है भैया, क्या नाम है भैया आपका. सुरेश कुमार जी. सुरेश जी है. और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अंकल. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. सॉरी भैया, आप जा रहे हैं वाटरफॉल, बासु टेंपल और दलाई लामा टेंपल. वाओ, तो देख मैक्लोडगंज से हम लोग जा रहे हैं इतनी जगह घूमने के लिए, देखते हैं कैसा माहौल है. लेट्स गो. अब मेरे साथ मेरी मॉम है, मम्मा, और दो लोग गाड़ी में लोड होंगे, देखते हैं वो कौन है. बैंड बज गई है गाइस, बैंड. आज सुबह से जो हम लोग निकले हैं करीब 6:30 बजे से शायद निकले हम लोग, ज्वालाजी दर्शन किए, चिंतपूर्णी माँ दर्शन किए. लिटरली मतलब बेड से उठा नहीं जा रहा है. रात के कितने बज रहे हैं, 11 बज गए हैं और हम लोग कंटिन्यू बाहर थे, कंटिन्यू. और बस में इतने घंटों की जर्नी, फिर बस चेंज किया. पूरा व्लॉग आप जब देखे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि क्या मतलब पूरा दिन था. हम लोग टी गार्डन गए एंड बौद्ध टेंपल गए. मैंने सिर्फ ना रास्ते में मोमोज खाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. और फिर जब ट्रैवल से हम लोग आ रहे थे ना, पैर का तो ऐसा हाल है कि मतलब खड़े भी नहीं हो सकते हैं. वेट अ सेकेंड, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते हैं, राइट, पैर का ऐसा हालत है. एंड अभी मेरे को जाना है डिनर करने के लिए, दीदी बुला रही है, बट मम्मी बोल रही है कि मम्मी नहीं जाएगी तो उनके लिए हम खाना ले आएंगे. एंड मेरे सच में लिटरली उठा नहीं जा रहा, अभी जा रहे हैं, हाथ मुँह धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, जाके जा रहे डिनर करने के लिए. और एक मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, पहले मैं बात कर लूँ, फिर मिलते हैं. और इग्नोर माई फेस, बहुत ही
थका हुआ चेहरा दिख रहा होगा आपको, बट बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की है फैमिली के लिए, कुछ कुछ चीज़ें ली हैं और अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। चलते हैं, मिलते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पर डिनर करने के लिए, मेरी इतनी बुरी हालत है कि मेरे को डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं है और हमारा डीजे शायद कैंसिल हो गया है। क्यों दीदी? डीजे कैंसिल हो गया है, लड़कियाँ थकी हुई है यार। डीजे कैसे कैंसिल हो सकता है यार, कि बैंड बजी हुई, बैंड बैंड बैंड। देखते हैं, हम सब सूप ले रहे हैं और भूख तो है नहीं मेरे को, चलते हैं। गुड मॉर्निंग, आज लास्ट डे है मेरे इस होटल में और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है गाइस, तो थोड़ा डाउन वाला फीलिंग आ रहा है, तो जाएंगे पहले हम नाश्ता करेंगे फिर लेंगे मेडिसिन। और यहाँ लड़की लोग कर ही रही है भाई, तो जा रहे, देखते हैं आज क्या है खाने में, क्या है खाने में पता नहीं। मैं ओ भाई, ओ भाई, ओ हेलो हेलो, हो गया हो गया। सेम चीज, मजा आ रहा है मम्मी, आई लास्ट डे मम्मी, फिर वही घर का सेम रूटीन, सेम दाल चावल है, आपको फिर बनाना पड़ेगा खाना। फिर अब आज लास्ट डे है, उसके बाद घर का दाल चावल खाएंगे गाइस हम, आज ले रहे मजा, मम्मी के हाथ का रेगुलर खाना खाएंगे। सो गाइस अब ये लास्ट डे है मेरे ट्रिप का और मैं सीरियसली राजेंद्र सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ साधना मैम है, प्रीति मैम है, सर यहाँ जाइए ना प्लीज़ कैमरा में। सो मैं दिल से सर आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना अमेजिंग वंडरफुल ट्रिप देने के लिए, इतनी मतलब फैसिलिटीज़ देने के लिए, और मेरा ये ट्रिप अब तक का ना बेस्ट ट्रिप मैं बोलूँगी, मज़ा आ गया। सर दो साहब, मैम दो साहब, आई एम राजेंद्र माई सेल्फ, आई जमशेदपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं और ये पैकेज बच्चियों को लेकर के आए थे स्टूडेंट्स को वीमेंस कॉलेज की, और जो हम लोगों ने अच्छा करने की कोशिश की है वो हम लोगों ने कोशिश की और देना चाहा है और दिया है, और आप लोग और मैम बताएंगे कि भाई कैसा रहा हम लोग का ट्रिप। आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक, यस बहुत अच्छा था, मतलब इसमें हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है, वेरी गुड, काफ़ी बेहतर था, तो आवाज़ ही बैठ गई है। इतना इंजॉय जो किया हम लोगों ने, हर फैसिलिटी मिली, बच्चे काफ़ी इंजॉय किए, ट्रिप अगर मैं कहूँ तो सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू सो मच सर, मतलब उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह ट्रिप करते रहे, घूमते रहे और इंजॉय करते रहे। सर मतलब हमें तो ये होटल बहुत ऑसम लगा, एम्बियंस बहुत ऑसम लगा, फूड तो और भी अमेजिंग, आपका क्या रिव्यू है सर हमारे प्रति, कैसा लगा हमारे साथ? सर लाइट 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 इधर आ जाइए आप, इधर आ, लाइट हाँ भी परफेक्ट लाइट आ रहा है, सर बताइए। बहुत ही अच्छा था, हमने भी बहुत एंजॉय किया, हमें लगा ही नहीं कोई हमारे पास बाहर से आए हैं, ऐसा लगता कि घर के ही हैं, अपने ही बच्चे हैं सारे। थैंक यू, थैंक यू टीचर्स आल्सो, मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं ना घर बना लेते हैं गाइस, तो व्लॉग में इनको भी बहुत सारा प्यार देना और इनके होटल में जरूर आना, मेरे व्लॉग में जितने लोग भी देख रहे ना इस होटल में जरूर विजिट करना। सो गाइस होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग ऑसम लगा होगा और ये पूरा जर्नी में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मेरे इस व्लॉग को आपने पसंद किया होगा तो गाइस सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाए सो दैट आपको मेरा नोटिफिकेशन आएगा और मजा उसका तबियत खराब हो गया है, मेरा भी तबियत थोड़ा खराब हो गया है, मतलब डाउन डाउन फील कर रहे हैं, मैं भी कभी गला बैठ गया, मैं बहुत हल्ला रस्ती गए हैं, कैसा लग रहा है? बस मज़ा आया, डाउन हो गया ना लेकिन मज़ा आया ना, मेरा भी तबियत है ना। ओ हेलो, कैसा लग रहा है? मस्त है, कैसा लग रहा है संतरा, आई मीन अंतरा, कैसा लग रहा है? थकावट वाला फीलिंग लेकिन मज़ा आया, एक्सप्रेस करो अपनी इमोशंस फीलिंग्स मैन, ट्रिप को लेके कैसा लग रहा है तुझे? खाना खिलाएंगे बता कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा है, थक गई है, हम भी थक गए यार, बट फिर भी ऐसा बोलेगी तुम, थोड़ा तो मुँह बना के सब सोचेगा भाई ट्रिप खराब था, कैसा लग रहा है तबीयत खराब?
हाँ ऑलमोस्ट सबको तबियत खराब है लेकिन इट वॉज वंडरफुल। चलो रोनो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आया? मजा आ रहा है? नहीं बोल रहा है? नो कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कैसा एक्सपीरियंस बताओ ट्रिप को लेके? बहुत अमेजिंग मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा और फिर आना चाहेंगे। वो ये भी हमारे, अरे मेरी सुंदरी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रिप में से मिल के यार, मतलब मजा आ गया इससे मिल के। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। अभी सबका तबीयत खराब है, मतलब सबका हम समझ रहे थे, सबका मुंह लटका वटका है। चलो बताओ, चलो बोल देना। हाँ हाँ बोल देना, ठीक है। ओ गर्ल्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम जा रहे हैं घर। मजा आया? मजा आया बताओ ना, कैसा लग रहा है? मजा आया मैम। गर्ल्स एक्सपीरियंस बता दो। बहुत मजा आया मैम, बहुत मजा आया, मजा आया ना मजा। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका सर? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। awesome उम्मीद नहीं की है कि अगले ट्रिप पे भी आपको साथ रहना, हम लोग मजा आएगा, प्रयास रहेगा। अक्षय कुमार हमारे साथ रहेंगे तो मजा तो आएगा ही। अमेजिंग, मजा आ गया मैम। ओह ओह एक्सपीरियंस अच्छा था भाई। हे गर्ल्स हाउस एक्सपीरियंस? तुम लोग मस्त हो यार, मरियल होने के हालत में भी फिर भी तुम एनर्जी लेवल हाई है मेरी तरह, सब लोग तो सोते पड़े यार। सो हम लोग आए हैं नैना देवी मंदिर और आज हमारा ट्रिप का लास्ट डेट है। क्यों अंतरा? आई विल नॉट कॉल यू संतरा, जस्ट किडिंग, यू आर जस्ट क्यूट बेबी। और बस मस्ती मजाक तो चलता रहता है। ओके सो हम लोग प्लान किए हैं गाइज रोपवे में जाने का और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है रोपवे में जाना और लास्ट टाइम सिक्किम में मैंने प्लान किया था मैं निशा चंदन मिलके, बट डी ने डांट लगा दी। डांट नहीं लगाई थी एक्चुअली, हाँ वो एक्चुअली ना रात का भी टाइम था और हम लोग को तीन जन को दीदी छोड़ना प्रिफर नहीं कर रही थी। मम्मी साइड आप साइड हुई मम्मी, हम लोग रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं कि आज कैसा वाला व्यू होगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने अगर किया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो रोपवे जाने का रास्ता इधर है, हम लोग अभी तक 1 किलोमीटर चल चुके हैं ऑलरेडी और नैना देवी जी का रास्ता इधर है। मम्मी साइड 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 और गाइस लालच में बहुत दूर चल रही है हम लोग, ना रास्ते में कोई ऑटो मिल रहा है ना कोई रोक रहा है, बस यही बोल रहा है बस और चल लीजिए थोड़े दूर थोड़े दूर थोड़े दूर। तो चलते चलते हम लोग इतने दूर आ गए हैं पहाड़ों पे, लेकिन ये मज़ा अलग ही है पहाड़ों में चलने का। वॉक करते करते हम लोग 5 मिनट बोलते बोलते बस इतना दूर आ गए हैं, बस देखते हैं कितने देर में पहुँचने वाले हैं। और ये व्यू वाओ सही है, ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग लंच नहीं किए ना दीदी? नहीं भाई, टाइम क्या हो रहा है? 4:30 बज गए हैं यार और लंच नहीं किया पता ही नहीं चला हमको, अभी भूख वाला फीलिंग आ रहा थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ। पहुंच गए क्या सर? आ गए ना, अभी और सीढ़ी चढ़ना है क्या? खैर भाई इतना चलने के बाद सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड, अब यहाँ पर हम जाएंगे पर्ची कटाएंगे और रोपवे का मजा लेंगे गाइस। पीछे माता और बहना है और चल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे माँ बहन है महिला एवं पुरुष फाइनली। सो हम लोगों ने ये टिकट लिया है, आराम से पहुँच जाएंगे दीदी बोले तो उनको। और ये रास्ता है 3 लोग का है, वो एक एक में कितने लोग बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 4। एक में 4 लोग बैठ सकते हैं तो हम लोग एक साथ हो जा रहे हैं, वो लोग एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये किसको देना है? मेरे 5 लोग हैं। हाँ 3 एक में बैठ गए, 2 इसमें बैठ गए। वेट 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 वेट, ये तो पूरा बंद है, दिखाना होगा ना।
एक में चार लोग बैठ सकते हैं, उधर बैठे हो आप लोग एक साथ है ना, तुरंत पहुँच रहे। सो रोप पे में बैठ गए और देखते हैं भाई क्या नज़ारा है। क्या दीदी वो मम्मी भाई ओ मम्मी मम्मी पहली बार मम्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं पहाड़ चढ़ रहा मम्मी देखो मम्मी हम दरबार आ गए हैं नैना देवी और मम्मी है साथ में। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अब हम लोग चलते हैं। ओके फाइनली वी रीच टेम्पल। इधर देख लो एक बार मम्मी, इधर देख लो एक बार नैना देवी दरबार में हम लोग आ गए हैं। वो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी।